अपने 3 विनर्स के लिए जो मुझे गिफ्ट उनको देने हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिए। इंजेक्शन लग रहा है उनको सुबह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये 15th of February का, तो मॉर्निंग टाइम है। आज मैंने लंच बनाए थे मूली के पत्ते बेसन वाले। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे सारी तैयारी मैंने करके रख ली है। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन चॉप करके रख लिया है। मूली के पत्ते को मैंने बॉयल कर लिया, उसमें मैंने एक मूली भी ऐड की है। यहाँ पर मैं बेसन को भून के रख रही हूँ, तो जिसे इस कढ़ाई में ही फिर मैं पत्ते को तड़का लगा दूँगी। तो जो मूली के पत्ते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विंटर्स में आप लोग भी खाते ही होंगे, हम लोग तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं उसकी सब्ज़ी। तो बेसन भुन चुका है, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला कढ़ाई में, उसमें हींग जीरा डाल दिया है। इसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन हम ऐड कर देंगे। इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई करना है। उसके बाद बॉयल किए हुए मूली के पत्ते हैं इसमें, वो मूली है वो ऐड कर दिए मैंने। इसको भी आप 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है और नमक ऐड कर दूँगी मैं। और उसके बाद मसालों के साथ ही इसको अच्छे से आपको पहले भून लेना है। और यहाँ पे देखिए स्वाद के अनुसार मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पत्ते की सब्जी है ना, क्वान्टिटी में थोड़ी कम रहती है, इसलिए थोड़ा डर के ही नमक ऐड करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से हम पहले इसको भून लेंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पे भुना हुआ बेसन ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा बचा दिया बेसन। और बस इस तरह से अच्छे से आपको मिक्स कर देना है, चलाना है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे लगा के आपको ढक के रख देना है, जिससे जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाएगा। ये रेसिपी मेरी मम्मी बनाती हैं, मेरी मौसी बनाती हैं, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और यहाँ पे किसी ने इस तरह से खाई भी नहीं थी। यहाँ पे प्लेन बनते हैं बिना बेसन के, तड़का लगाया जाता है। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे वो बनाते हैं। गुड आफ्टरनून, भाभी बना रही हैं। भाभी क्या बना रही हो आप? ये आसन बोलते हैं इसको, आसन बना रही हैं। पता है किसका है? इस साड़ियों को फाड़ के है ना भाभी, ये साड़ियों को फाड़ के बनाया जा रहा है। पता है मैंने इनको ऐसा बोला है कि मुझे ना, मतलब इसकी जगह ऊन से बना के देना, मुझे थालपोश बनवाना है, जो थाली पर ढकने के लिए होता है ना, वो बनवाना है भाभी। मैं ऊन ला के दूंगी आपको, तो बना देना बस। एक तो एक कली और बनेगी यहाँ पे, उसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा ये। मतलब एक्सपर्ट तो है, चलो बना लो। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैंने बनाया है और भाभी कर रही है ये वाला काम। पीछे बैठो, यहाँ से गिर जाओगे तो बिल्कुल यहाँ बैठे हो। तो मैंने खाने की पूरी तैयारी करके रख दी है। जब सब लोग खाना खाएंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊंगी। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस वो ऐसे फ्री बैठी थी तो वो बना रही थी। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी बनाते थे क्या? पहले मम्मी वगैरह तो बनाती थी ऐसे, और अब कोई नहीं बनाते क्योंकि अब तो मार्केट में एक से बढ़ के एक आने लग गए हैं, इसलिए इतना टाइम भी नहीं रहता अब किसी के पास। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं और भाभी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और बस यहाँ पर अभी रोटियाँ बना रही हूँ फटाफट से, सब लोग लंच कर लेंगे। तो रोटी में मैंने शायद मूली के पत्ते बनाए थे, और क्या बनाया था मेरे को याद भी नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन का व्लॉग है ये। तो बस अभी मैं आपको थाली दिखा दूँगी, क्योंकि मैं अपनी थाली लगा रही हूँ यहाँ पे। और खाना सब लोगों ने खा लिया है, अभी मैं खाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आज ये वाली थाली लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आइटम थे आज खाने में, इसलिए। तो मुझे रायता थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी उसमें ऐड किया है। मतलब जो बर्तन को धुल के है ना, वो फेंकना नहीं चाहिए ना दूध दही वगैरह हमें, इसलिए। तो मेरे लिए ही बचा है, बस थोड़ा ही बनाया था रायता, क्योंकि एक टाइम ही अच्छा लगता है, दूसरा टाइम तो आपको पता है अभी सर्दियां हैं और खट्टा भी हो जाता है, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगाती हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लंच में क्या क्या लिया है। ये है मूली के पत्ते, ये कल की सब्जी है, सैलेड है, रायता जो अभी बनाया बूंदी का, और 2 चपाती मैंने ली है। तो मैं चलो अपना लंच कर लेती हूँ। कैसे खा रही हूँ अमृता? खाना खाने के बाद वही मेरा अभी का रूटीन मैं आपको बता रही हूँ। डेली मैं सो जाती हूँ लंच वगैरह करने के बाद, बर्तन बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके मैं सो गई थी। इसलिए सो जाती हूँ क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब है, तो वो भी रेस्ट करती हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, बच्चे भी सो जाते हैं तो फिर मैं भी सो जाती हूँ।
क्योंकि मैं अकेले भी क्या ही करूँगी, और व्लॉग ऐसा कुछ मैं ज़्यादा भी शूट कर नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा, और क्या शूट करूँ मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तो कुछ नया होता है तो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं शूट कर पाती हूँ। कोई रेसिपी होती तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ऊपर छत से आने के बाद थोड़ा सा भी मैं छत पे निकल जाती हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं, तो अच्छा लगता है शाम के टाइम ऊपर निकल जाती हूँ तो थोड़ी चहल पहल दिखती है, गाड़ियाँ दिखती हैं, तो अच्छा लगता है ऊपर। और अभी आ गई हूँ नीचे तो बनाऊँगी अपने लिए चाय। मैंने सबसे पूछा लेकिन भाभी चाय नहीं ले रही हैं, कोई भी नहीं ले रहा है, बस अमृता और मैं ही चाय पीऊँगी। तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज बन रही है सहजन की फली, जो कि ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी होती है, हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ज़रूर खाना चाहिए। बचपन में हम ये सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई ना उसके बाद सारी चीज़ें मतलब खाना एकदम से सीख जाते हैं। सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि समझ नहीं आता क्या बनाओ क्या बनाओ, वही डेली दाल आलू खा के पनीर भी खा के बोर हो जाता है आदमी। तो बस यहाँ पे आज बन रही है सहजन की फली, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी बनने लगी है अभी। ये क्या क्या हो गया? तो अभी भाभी की हालत मैंने आपको दिखा दी है, वो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे अभी क्योंकि उनको 3 से 4 दिन इंजेक्शन कंटिन्यू लगने हैं सुबह शाम। तो भी सारी भागम दौड़ मेरे हाथ में है। मैं भाभी से पूछ रही थी कि मोटी वाली मिर्ची आई हुई है मार्केट से, कहाँ रखी है? तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी निकाल रही हूँ, लेकिन पहले सोचा कि बना लेती हूँ, फिर सोचा कि नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सब्ज़ी बना ली है और थोड़े से मूली के पत्ते सुबह के भी बचे हुए हैं तो वो भी ख़त्म करने पड़ेंगे। तो मैंने तैयारी पूरी कर ली थी, कट करके भी रख दी थी, फिर मेरा मन चेंज हो गया, फिर मैंने नहीं बनाई थी। तो मैं मॉर्निंग लंच में ही फ्रेश बनाऊँगी। ये मोटी मिर्ची कितने लोग बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं, मैं 2-3 तरह से आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सहजन की फली बनके तैयार होने ही वाली है, बस टमाटर ऐड किया है लास्ट में। ये देखिए बढ़िया सा कलर आया है लास्ट में, इसमें गरम मसाला बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, और जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाई है। बस हाँ, आलू को और सहजन फली को मैंने पहले ऑयल में फ्राई किया था, अगर आप डिटेल में रेसिपी मांगेंगे तो शेयर कर दूँगी। यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं रोटियों के लिए। खा लो और ठीक है, और ये लो बस। तो गाइस अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, आरती हो गई। हाँ हाँ, तो गाइस आरती हो गई, 8:30 बज गए हैं, और अमृता आज फोन चला रहे हैं। अभी मैंने डिनर भी तैयार कर दिया, बस रोटियां बनानी है मेरे को। अभी मैंने आपको भाभी को दिखाया था तो वो गई हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि उनको अभी सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे हैं। पहले उन्होंने रिपोर्ट कराई अपनी, उनकी थोड़ी दिन से मतलब तबीयत ख़राब चल रही है, जैसे मैं आपको डेली ब्लॉग में बता रही हूँ, उनको फीवर आ रहा था ऐसा थोड़ा बहुत। तो टेस्ट कराया तो मतलब टाइफाइड वगैरह तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, निगेटिव आई है रिपोर्ट तो निगेटिव है, और लेकिन फिर भी उनको इंजेक्शन लग रहा है क्योंकि पता नहीं प्लेट्स वगैरह जो है ना वो कम बताई है डॉक्टर ने, तो उसके लिए इंजेक्शन लग रहा है उनको सुबह शाम। तो भी उसी के लिए वो गई हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैं तैयार कर रही थी खाना,
तो मैंने बनाई है आलू ड्रमस्टिक की सब्जी, जिसको सहजन फली बोलते हैं, वो बनाई है। और पहले मैं मिर्ची बना रही थी मोटी वाली, मैंने कट करके भी रख दी, फिर मैं नहीं बना रही क्योंकि सुबह के मूली के पत्ते भी रखे हैं। अरे रुको, तो कुछ ऐसे पूरा दिन भर निकल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। और भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं, तो और भी नहीं अच्छा लग रहा, तो ये भी नहीं है ना, तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा मेरा, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अब तो मैं 2-3 दिन से रील भी नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा अंदर से करने का ऐसा कुछ भी। बस ऐसे ही दिन भर निकल जाता है, देखते हैं कब आएंगे ये। जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मतलब बच्चे मेरे से बहुत दिन से मतलब टच में नहीं थे ना, तो बहुत दिन के बाद टच में आए थे, तो मुझसे डरते थे, इतना ज़्यादा मतलब फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ज़्यादा खेलते नहीं थे मेरे साथ, डरते थे। तो अभी तो मतलब मेरे पास अकेले भाभी अगर बच्चों को छोड़ के चली जाती है ना, तो वो आराम से रह लेते हैं। मेरा नेचर भी ऐसा है, मैं बच्चों को बहुत प्यार से रखती हूँ, किसी के ही बच्चे हों। हाँ देखो, नए नए जब बच्चे हमसे मिलते हैं तो सीधी सी बात है कि वो हमें पहचानते नहीं है, तो हमारे पास आएंगे भी नहीं, लेकिन वो 1-2 घंटे में मतलब अच्छे से पहचानने लगते हैं मेरे को। तो मेरा यही नेचर है, शुरू से मुझे बच्चे बहुत पसंद है सच में। तो यहाँ पे अमृता और हर्ष मेरे पास हैं, अभी भाभी गई हैं डॉक्टर के यहाँ पे, और मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएंगी, तो फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, खाना वगैरह खाया, वही सारे डेली के काम जो होते हैं वही लगे थे। अभी नेक्स्ट डे हो गया है दोस्तों, तो सुबह उठ के पहले मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं व्लॉग करूँ, सारे काम किए मैंने, बट कैमरा लगाने का मुझे टाइम भी नहीं था, याद भी नहीं रहा और मन भी नहीं था, तीनों ही चीज़ें थी मेरे साथ में, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सारे काम हो गए हैं। बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिर्ची मोटी वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये बन के तैयार है। बेसन वाली बनाई है क्योंकि कल का बेसन बचा हुआ था ना, थोड़ा सा भुना हुआ, तो उसी के साथ मैंने इसको बना दिया। दोस्तों अगर आप मिर्ची की रेसिपी मांगेंगे तो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने इस व्लॉग में शेयर नहीं की है क्योंकि मेरे को याद नहीं रहा, और मैंने जल्दी जल्दी में मिर्ची में तड़का भी लगा दिया था। ये कीवी आई हुई है, तो ये रख देते हैं, 40 रुपये की एक कीवी, मतलब यार कीवी तो बहुत ही महंगी है, उसमें से एक तो ख़राब भी निकल गई थी। होता है ना, ठेले वाले जो होते हैं वो मतलब गड़बड़ कर ही देते हैं, तो आपको दिखाते कुछ और हैं, और जब वो पॉलीथिन में डालते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं। बहुत बार हुआ है हमारे साथ तो ऐसा कि हम देखते कुछ और हैं, निकालते कुछ और हैं, और रख कुछ और देते हैं, वो पता नहीं कैसे इसे चीटिंग कर लेते हैं, गलत बात है ये। लेकिन क्योंकि आप जो पैसे मांग रहे हो वो हम दे रहे हैं, तो यार चीज़ भी अच्छी देना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जी आई है, और जिसमें पालक है, पपाया है, ये फ्रूट्स मतलब भाभी के लिए आए हुए हैं, कीवी क्योंकि उनको डॉक्टर ने बताया है। और मुझे यार कीवी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, पता है, पता नहीं क्यों। पपाया आया है जो कि मैं नहीं खाती हूँ, ना ही खा सकती हूँ। पालक आई जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन पालक पनीर अच्छा लगता है, बहुत सारी पालक आई है। और साथ में आए थे समोसे, समोसे मुझे अच्छे लगते हैं, मैं समोसे यहाँ पे एक समोसा मैं खाऊँगी, और सब लोगों ने खा लिया सिर्फ भाभी को छोड़ के, क्योंकि भाभी नहीं खा सकती ना ये सारी चीज़ें, अभी दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। और यहाँ पर देखो साहब लेटे हुए हैं फ़ोन चलाते हुए। हेले, मैचिंग मैचिंग हो रही है। A few moments later. तो गाइस मैंने इस वाले ब्लाउज के साथ इसको साड़ी को पहना है। आफ्टरनून का टाइम हो रहा है और भाभी गई हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, और शायद उनको ड्रिप भी लगेगी, तो अभी वो उनको लेट भी हो सकता है। और जैसे ही भाभी गई, बिल्कुल निकली ही है, हर्ष ने पॉटी कर ली, तो मतलब पॉटी उसको आने लग गई, तो फिर मैंने उसको पॉटी भी करवाई आज फर्स्ट टाइम। भाभी उसको लेके जा रही थी लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि डॉक्टर के नाम से ना बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा, तो नहीं। गाइस मैंने ये साड़ी वेयर की, अभी तो सूट वेयर किया था, खाना किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि समोसे आ गए थे वो खा लिए थे, और भूख भी नहीं लग रही यार, मतलब भाभी तो भी ठीक नहीं है, घर में और कोई भी नहीं है, तो ज़्यादा खाना वगैरह भी कुछ बन ही नहीं रहा है। और अमृता स्कूल गई आज, उसका लंच बॉक्स मैंने ही रेडी किया था। तो गिव अवे के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। मैंने अपने 3 विनर्स के लिए जो मुझे गिफ्ट उनको देने हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं कल नाइट में, तो 1-2 दिन में, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, 1-2 दिन में वो मुझे रिसीव हो जाएंगे, और मैं गिव अवे अनाउंस करूँगी 20 या 21 फरवरी में, क्योंकि ये नहीं है, ये 19 तारीख को तो शायद ही आएंगे, और आते से क्योंकि देखिए डिसीजन लेना है, तो
मैंने सोचा कि हम दोनों ही साथ में रहेंगे, इसमें कोई भी मेरा तेरा नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, पूरी फैमिली है मेरी, यूट्यूब फैमिली है, और जो कुछ भी करेंगे रियल होगा, ठीक है। तो थोड़े से मुझे अभी, मैंने कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, बहुत ही कम कमेंट का रिप्लाई किया है अभी तक जब से मैंने गिव अवे अनाउंस किया है। तो सारे के सारे मैं चेक करूंगी पहले, और जो भी कोई रहेंगे उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी। तो ठीक है, 21 या 22 तारीख को मैं अपने विनर्स अनाउंस कर दूंगी, आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इनके साथ ही मुझे करना है, अकेले नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इनकी हेल्प लगेगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट रहेंगे, उनको रीड करना है ना, नोट करना है, तो सारी प्रोसेस होती है, तो वो देख करके अनाउंस करूंगी। और देखा जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो लगी हुई है, तो थोड़ा सा मन भी सही नहीं रहता है। अभी मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी हैं, तो आ जाएंगे। और मैंने हर किसी से भी बताया, मैंने थोड़े टाइम के लिए सबसे बात करना बंद कर दिया है, मतलब उन लोगों से मैंने बात करना बंद कर दिया है जो मेरे मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और मेरा सच बता रही हूँ, अभी किसी से ही बात करने का मन नहीं कर रहा है, फैमिली में भी किसी से बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, कभी कभी पापा को फ़ोन लगा लेती हूँ बस, लेकिन मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा बात करने का, पता नहीं क्यों, क्या ही हो रहा है। तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। और आप लोग बताना इस ब्लाउज़ के साथ ये साड़ी कैसी लग रही है, या इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। आज मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, ये थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, फिटिंग अच्छी आई है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, आई होप आप सभी मुझे समझेंगे। और अब दूर हूँ मैं यार उन लोगों से जो मतलब इस तरीके की हरकत करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किसी से ज़्यादा बातें करने का, और बस ऐसे ही घर के सारे काम किए आज मैंने, क्योंकि भाभी तो कोई भी काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उन्होंने नहाया भी नहीं आज, क्योंकि पानी में हाथ नहीं देना है उनको, 5 दिन इंजेक्शन लगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और ड्रिप भी लगनी है उनको आजकल, और हर्ष मेरे पास है, अमृता स्कूल गई है, वो 2:30 बजे आती है, तो ये सारा चीज़ें हैं। और सारे काम वगैरह तो हो गए, मैं फ्री हो गई, तो बस अभी कुछ रील्स वगैरह शूट करूँगी। क्या हुआ बेचारा फ़ोन देख रहा है, मेरे पास रह जाता है अब, मतलब उसको पता है ना कि चाची तो अच्छे से रख लेती है, अमृता और हर्ष दोनों मेरे पास रह जाते हैं, क्योंकि भाभी अभी 3-4 दिन से डेली ही डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं, आराम से रहते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और क्या बताऊँ मैं आपको, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये नहीं है, ऊपर से ये सारी चीज़ें, जब घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो पूरा माहौल जो है ना घर का, ऐसा लगता है कि सभी बीमार है फिर, कि कोई किसी से ज़्यादा बातें नहीं करना, वो हंसी मजाक नहीं। और मुझे उस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि सब लोग हंसे बोले बैठे बातें करें, तो अभी बस वही है। मैं फिर भी बच्चों के साथ अपना टाइम पास कर लेती हूँ, देर रात तक सोती हूँ, कल मैं 2 बजे के समथिंग सोई होंगी, और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे अमृता का लंच रेडी करना था, वैसे मैं थोड़ा सा लेट सोती लेकिन जल्दी उठ गई थी मैं। ओके, बाय बाय, लव यू, और देखते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी।